Hello everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuit, and this is lecture number 8. We were doing linear applications of IC op-amp, and last lecture mein humne kiya tha inverting amplifier. Today we will see non-inverting amplifier. So this is the circuit for non-inverting amplifier. As we can see here, हमारे पास एक ओपैम्प है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. बिकॉज ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या मतलब है, जो इनपुट वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज सप्लाई होगी, वो कहाँ अप्लाइड होगी, वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या यू कैन से पॉजिटिव टर्मिनल पर अप्लाई होगी. सो वी कैन सी हियर जो हमारी इनपुट वोल्टेज वी इन है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल. दैट इज वाई इट इज नोन एज non-inverting amplifier. Inverting terminal पे हमारे पास एक input resistance है, which is known by resistance R1, and then we have a negative feedback with component RF. Resistance RF है हमारे पास, and V1 जो है वो node है inverting terminal की, जिसका potential V1 है. इस node का potential V1 है. Whereas non-inverting terminal का जो potential है, it is V2, and I have written that V2 is equal to Vn. Why? Because we know that कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इस टर्मिनल का है, लेकिन we know that कि V in यहाँ पर अप्लाइड है, तो ये जो भी V in है ये इस पॉइंट पर भी अपीयर होगा. तो दैट मीन्स दोनों वोल्टेज सेम होंगी. तो दैट इज वाई आई हैव रिटन V2 इज इक्वल टू V in. नाउ बिफोर डूइंग द एनालिसिस पार्ट, एज वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या पता होना चाहिए कि ओपैम्प हमारा एक आइडल ओपैम्प है, इसका गेन बहुत ज्यादा होगा. अगर गेन बहुत ज्यादा है, इनपुट रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा. इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है इनपुट करंट टू द ओपैम्प विल बी जीरो. दैट इज व्हाई यहाँ पर मैंने लिखा है I1 इज इक्वल टू जीरो एंड I2 इज इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि ये जो दोनों करंट हैं ये इनपुट करंट है ओपैम्प के, और ये दोनों ही करंट हमारे जीरो हैं. राइट, ये दोनों ही करंट हमारे जीरो हैं. व्हाई? बिकॉज ओपैम्प इज एन आइडियल ओपैम्प. So what I have written, the input signal is applied at the non-inverting terminal of op-amp. Yes, non-inverting pe input signal applied hai, and the inverting terminal is grounded through resistance R1. Yes, inverting terminal aapka grounded hai resistance R1 ke through. Okay. Then let us see the analysis part. Ab iska analysis karte hain. Analysis ke liye humne consider kiya hai ki R1 ke across jo current flow karta hai, it is I1. RF ke across jo current flow kar raha hai, it is I2. Jo टर्मिनल्स पे करंट है इट इज I3 एंड I4 मान लेते हैं, बट वी नो दैट कि वो दोनों ही करंट जीरो हैं. व्हाई? बिकॉज हमने अज्यूम किया है कि ये ओपैम्प आइडियल ओपैम्प है. अगर ये आइडियल ओपैम्प है तो दैट मींस इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा और इनपुट करंट टू द ओपैम्प जीरो हो जाएगा. तो दैट मींस इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, दोनों ही करंट हमारे जीरो हैं. राइट, अब हमने दो नोड्स मेंशन की है, node 1 एंड node 2. नोड 1 का जो पोटेंशियल है हमने कंसिडर किया है इट इज V1, एंड नोड 2 का पोटेंशियल वी हैव कंसिडर्ड इट इज V2. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, कि यू विल अज्यूम दैट योर आइडियल ओपैम्प इज एन आइडियल ओपैम्प, और अगर ओपैम्प आइडियल है तो इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जो इनपुट करंट है वो जीरो हो गया. ठीक है, सो हमें अब क्या करना है, हमें इसका गेन कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी हम इसका गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम नोड 1 पर KCL अप्लाई करेंगे. KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, कि ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल द आउटगोइंग करंट. अब अगर नोड 1 पर ध्यान से देखते हैं तो नोड 1 का मतलब है ये वाली नोड, दिस नोड. इस नोड पर जो इनकमिंग करंट है इट इज I1, एंड आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, I2 एंड I3. बट वी नो दैट, तो इसका मतलब अगर हम इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखें, I1 हमारा इनकमिंग है, I2 और I3 आउटगोइंग है, तो इक्वेशन हमारी क्या बनती है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग. सो इनकमिंग करंट क्या हो गया I1, एंड इट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3. सो ये हमारी इक्वेशन हो गई KCL की एट नोड 1, व्हिच इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. बट वी नो दैट कि I3 जीरो है. क्यों? क्योंकि इनपुट करंट जो है ओपैम्प का वो जीरो है. Why? Because input resistance is very high, as this op-amp is an ideal op-amp. तो ये current zero हो गया, तो I3 part जो है वो zero हो गया. So therefore we are left with equation I1 is equal to I2. Now अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास equation आ गई कि जो भी current R1 में flow कर रहा था वही current RF में flow कर रहा है, मतलब R1
R2 के इक्वल हो गया. सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी वैल्यूज फॉर I1 एंड I2. अब हम I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो अगर I1 को देखें तो I1 का जो पोटेंशियल है वो बेसिकली करंट क्या होता है, इट इज V बाय R. सो अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें तो I के लिए वोल्टेज पोटेंशियल क्या होगा, इट इज फ्रॉम ग्राउंड. ये यहाँ पर जो पोटेंशियल है इट इज 0 वोल्ट है. क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड है और इस नोड तक हमारा I1 करंट फ्लो कर रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक I1 करंट फ्लो कर रहा है. सो इट विल बी 0 माइनस V1. इस नोड का जो पोटेंशियल है वो क्या है, V1. सो 0 माइनस V1 अपॉन R1 हमारा I1 हो गया. एंड सिमिलरली अगर I2 के लिए देखें तो I2 कैसे फ्लो कर रहा है, इट इज फ्रॉम V1 टू V0. तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस V0 अपॉन Rf. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर I2. बट वी नो दैट कि I1 और I2 इक्वल है, तो इसीलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया. एंड इक्वेट करके जो हमारी इक्वेशन आई है वो आई है 0 माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 माइनस V0 अपॉन Rf. और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. ओके, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि V2 जो है हमारा वो Vin के इक्वल है. क्यों पता है, वाई, बिकॉज वी कैन सी जो नोड 2 है वहां का जो पोटेंशियल है वो V2 है, पर V2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा वोल्टेज सप्लाई से, विच इज Vn. दैट इज वाई वी नो दैट कि V2 इज डायरेक्टली इक्वल टू Vn. सो हमने ये चीज यहाँ मेंशन कर दिया है, V2 इज इक्वल टू Vn. बट अगेन वी नो दैट कि आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, दोनों टर्मिनल्स शॉर्ट होने चाहिए, दोनों के ऊपर सेम पोटेंशियल मेंटेन रहना चाहिए. सो दैट मींस जो पोटेंशियल नोड 1 पर होगा वही पोटेंशियल नोड 2 पर भी होना चाहिए, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल नोड 2 पर है वही पोटेंशियल नोड 1 पर भी होना चाहिए. तो अगर नोड 2 पर पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू Vn है तो नोड 1 पर भी पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू Vn होना चाहिए. So in short, we can write V1 is equal to V2 is equal to Vn. Right? तो हमारे पास ये equation आ गई. क्यों? क्योंकि हमारे node 1 और node 2 की voltages same होने चाहिए according to the property of op-amp. So अगर हमारे पास V1 is equal to V2 is equal to Vn है, तो ये values अगर हम equation 1 में put करते हैं, अगर हम इसे 1 में put करेंगे, तो जहां जहां पर हमारे पास V1 था, V1 की जगह हमने Vn को रिप्लेस कर दिया. सो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, यू कैन सी हमारे पास ये इक्वेशन थी, Vn की जगह हमने V1 लिख दिया, अगेन यहाँ पर भी V1 की जगह हमने Vn लिख दिया. सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, इट विल बी -Vn/R1 = Vin - V0/Rf. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, Vin वाली टर्म्स को हम एक साइड ले लेंगे और V0 वाली टर्म को हम एक साइड ले लेंगे. सो नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हमें क्या करना है, हमें तो V0/Vin कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये गेन होता है, हमें तो इस गेन को कैलकुलेट करना है. तो V0 और Vin की टर्म्स को अलग अलग करेंगे, या आप डायरेक्ट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इक्वेशन को. तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो रेजिस्टेंस थे उनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, विच इज -Vin/Rf = R1/Vin - R1/V0. कैसे आया है, दोनों रेजिस्टेंस को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गए. अब जो Vin वाली टर्म्स है उसको एक साइड ले लेंगे और V0 वाली टर्म को एक साइड कर देंगे. सो हमने वही किया है, V0 वाली टर्म एक साइड आ गई और Vin वाली टर्म एक साइड आ गई. राइट, यहां से हमने Vin कॉमन लिया एंड फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेन. गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. दैट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V0/Vin. तो अब अगर V0/Vin निकालना है तो V0 और Vin निकालने के लिए R1 जो है वो इस साइड आएगा और Vin इक्वल्स टू के इस साइड आएगा. सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, V0 by Vin = R1 + Rf upon R1. या अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 + Rf / R1. सो सिंपल आपका ये गेन हो जाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का. राइट, सो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि गेन ऑफ योर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर AF इज गिवन बाय V0/Vin = 1 + Rf / R1.
या अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, तो आउटपुट वोल्टेज आप कैसे मेंशन कर सकते हो, जो आपका गेन आया है, दैट फैक्टर क्या है आपका गेन, 1+RF/R1, ये आपका गेन हो गया, एंड मल्टीप्लीकेशन में योर इनपुट वोल्टेज, दिस विल बी द आउटपुट वोल्टेज ऑफ योर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर. सो अगर आपसे गेन पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं, वी नॉट बाय वी इन वाला, और अगर आपसे वी नॉट आउटपुट पूछी जाती है तो आप ये फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस गेन एज वेल एज दिस इनपुट. इस इनपुट के ऊपर तो डिपेंड करती ही है, प्लस इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है. और ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर बेसिकली आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है. राइट, सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आया था निकल के, तो क्या हमने कंक्लूड किया है कि जो क्लोज्ड लूप गेन है, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्लोज्ड लूप गेन है, वो RF और R1 की रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है. यस, वो इसकी रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है. एंड हमें ये भी पता है कि अगर ये रेशियो जीरो हो गई, RF/R1 अगर जीरो हो गया, तो भी गेन जो है वो 1 आएगा ही आएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन है, या तो वो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 वैल्यू तो हमेशा रहेगी. इसकी वैल्यू जितनी मर्जी छोटी क्यों ना हो, हमेशा 1 प्लस के साथ आएगी, तो हमेशा वो वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी. राइट, देन द वैल्यू ऑफ क्लोज लूप वोल्टेज गेन AF डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओपन लूप वोल्टेज गेन. ऑब्वियसली हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज गेन है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओपन लूप गेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि RF और R1 की वैल्यू को एडजस्ट करके हम गेन की वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर एप्लीकेशन. राइट, and the last point says ki no negative signs indicates that this amplifier provides output in phase with the input. ab yahan par jo hamara nikal ke aaya hai gain and ya you can say output nikal ke aaya hai, isme koi negative sign nahi hai. just like in the inverting amplifier hamare output mein negative sign aaya tha, wahan par wo negative sign represent kar raha tha ki jo hamara output waveform hogi wo 180 degree phase shifted hogi. बट यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, दैट मीन्स हमारी जो वेव फॉर्म है वो इन फेज होगी विद द इनपुट सिग्नल. दैट इज व्हाई आई विल शो यू द वेव फॉर्म. दिस इज माय वेव फॉर्म. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, हमारी ये इनपुट वोल्टेज डायरेक्टली इस फेज में है. आउटपुट वोल्टेज का फेज भी वही है, बट ये थोड़ी सी एम्पलीफायर है. व्हाई? बिकॉज ये एम्पलीफायर है, तो इसने फेज चेंज नहीं किया है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ने, इसने सिर्फ इसको गेन प्रोवाइड किया है विद सेम फेज. राइट, so this is all about the non inverting amplifier. if you have any query you can post in the chat box. thank you so much.